दो बाइकों में जोरदार भिड़ंत, सुनील जाटव के उपचार के दौरान ग्वालियर में मौत। दो बाइकों की हुई भिड़ंत, हादसे में दोनों बाइकों पर सवार थे 6 लोग। खबर बैराड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम ककरई के पास दो बाइकें आपस में भिड़ गई, जिससे हादसे में दोनों बाइकों पर सवार 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना 27 जनवरी की बताई जा रही है, जिनको उपचार हेतु बैराड़ स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां से उनको जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। उसके बाद गंभीर घायल सुनील जाटव को शिवपुरी से ग्वालियर रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार मोनू जाटव पुत्र प्रकाश जाटव और उसका भाई सुनील जाटव निवासी जरिया कला एक अन्य साथी के साथ बेलदारी करने जा रहे थे, तभी ककरई के पास एक यादव की बाइक ने बाइक में टक्कर मार दी और यह हादसा घटित हो गया, जिसकी यादव के लोगों ने आकर मेरी और मेरे भाई सुनील जाटव की बुरी तरीके से लात घूसों से मारपीट कर दी, जिससे सुनील जाटव और हम गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसकी आज ग्वालियर में इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं दूसरी तरफ परिजनों का आरोप है कि पुलिस द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, इसलिए आज मृतक के परिजनों और भीम आर्मी के लोगों द्वारा सैकड़ों की संख्या में एकत्रित होकर शव को थाने पर रखकर चक्का जाम कर दिया। भीम आर्मी और परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि उनके खिलाफ 302 की कार्रवाई की जाए तो हम फिर से थाने का घेरा करते हुए विशाल आंदोलन करेंगे, और कहा कि सुनील जाटव की मौत एक्सीडेंट से नहीं उनकी मारपीट से हुई है। सारे मामले पर पुलिस ने PM रिपोर्ट आने के बाद FIR दर्ज करने का आश्वासन दिया है। बैराड़ से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। सर जी, क्या कुछ मामला है कि आप जो सब लोग एकत्रित हुए पूरे भीम आर्मी, क्या कारण है? आज हमारे भीम आर्मी कार्यकर्ता ने मेरे को फोन लगाया कि भैया ऐसी ऐसी घटना घट गई है। मैं भीम आर्मी से पूर्व संभाग अध्यक्ष हूँ, तो मैंने मेरे को बताया कि ऐसी बात, एक्सीडेंट हुआ था दोनों बाइकों में, ठीक है। सामने वाली पार्टी ने, यादव लोगों, ये यादव समाज के लोगों ने, उनने है ना अपना है ना वहाँ से फोन करके और बलपूर्वक इतना बल बुलवा लिया, उनको जबरदस्त मौके पर पीटा था। भाई उस लड़के का भाई जो खत्म हुआ है ना, उसका भाई भी बता रहा था कि भैया इतने लड़के आ गए तो वहाँ पे उनने है ना उनकी छाती में लाते ही लाते मारी है। अच्छा, एक्सीडेंट के बाद में? एक्सीडेंट के बाद में। घटना दोनों के साथ हुई थी? घटना दोनों के साथ हुई थी। तो एक्सीडेंट केस बनता है, पर उस जी कौन कहता है कि तुम सामने वाले व्यक्ति को तुम है ना बलपूर्वक आके उसको मारो? कौन ने मारा था? वो यादव लोगों ने। अच्छा, इतना मारा था उसको जबरदस्त, लड़का बोल रहा था, उसका भाई बोल रहा था मेरे से, भैया से उसने मेरे पूरी घटना बताई, इतना जबरदस्त मारा उसको है ना, बेहोश उसको हॉस्पिटल ले गए शिवपुरी। एक दिन उसमें वहां में रखा था, कौन सा हॉस्पिटल है, मेडिकल हॉस्पिटल में एक रात रखा, वहां से उसको रेफर कर दिया ग्वालियर के लिए। आज उसकी मृत्यु हो गई है, पोस्टमार्टम होके आ रही है और पुलिस ने लीपापोती करी है। पुलिस इतनी समझदार है बेड़ार थाने की, कुछ पूछो मैं इनकी तारीफ करो जितनी कम है, विवेचना करने के लिए नहीं गए ये लोग। वो लड़का खत्म हो गया ना, उसके बाद में इनके घर पे जा रहे हैं ये लोग। ये कौन सा तरीका है इनका कि मरने के बाद में विवेचना कर रहे हैं ये लोग? पुलिस कितनी समझदार है, या तो ये राजनीति के बलबूते पे चल रहे हैं, तो ये चीज भीम आर्मी तो बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं तो मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहता हूँ, यदि आपके समाज के लोग इस तरीके से हमारे लोगों को मारेंगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे लोग मरने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, हम भी शांत से जीना चाहते हैं। और ये कौन कह रहा हो, आज उनको ये बता रहा है, इनके चाचा बता रहा है कि घर पे रात सब 2 दिन से चक्कर काट रहे हैं, राजीनामा कर लो। अब पता चल गया उसको मृत्यु हो गई है, तो दबाव बना रहे हैं, जिंदा जला देंगे। आप क्या चाहते हो? हम तो ये चाहते हैं उन पे 302 की कार्रवाई होना चाहिए, उन्हें बलपूर्वक आके मारा है। पुलिस इतनी समझदार है, एट्रोसिटी एक्ट नहीं लगाया इनने, देखो धारा नहीं लगाई, 279 और 300 कौन सी लगाई है, धारा लगा दी उन्होंने, एट्रोसिटी एक्ट नहीं लगाया इनने। इसमें कोई रिश्वत का ही मामला देखा जा रहा है? देखो रिश्वत का मामला, मैं तो ये कहता हूँ थाना, ये थाना प्रभारी और TI साहब इनकी मिली जुली भगत लग रही मेरे को तो यहाँ से, और हम तो ये चाहते हैं इनको लाइन अटैच कर दिया जाए यहाँ से। ऐसे अधिकारी अगर थाने में रहेंगे तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारे लोगों को तो न्याय मिलेगा ही नहीं, बताइए कहाँ मिलेगा न्याय? बताओ अभी ये तो चलो ये घटना हुई है, इससे पहले 1-2 साल पहले और घटना घटी थी, वो डंडों से इतनी पासों से इतनी मारा पीट की थी, वो तो तब सुरेश रांटगढ़ मंत्री थे, जब उन लोगों ने मारा जितना मारा था हमारे लोगों को, उसकी मौके पर मृत्यु हो गई थी। उसके बाद हम प्रेशर बना के प्रशासन ने भी और लोग गांव के लोगों ने भी उनका राजीनामा करवा दिया था, इसी तरीके से इनसे लगे राजीनामा करने के लिए। और कार्रवाई यदि नहीं होती है तो भीतरवार में इतने पैर आएंगे उसकी कोई सीमा नहीं है, कार्रवाई यदि नहीं होती है तो पुलिस अगर लीपापोती करेगी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारे लोग सब लोग आने के लिए तैयार हैं। यहाँ पे जब तक यहाँ से बीमारी भी नहीं उठेगी, जब तक 302 की कार्रवाई नहीं होती है, जब तक नहीं हटेंगे हम। अभी प्रशासन ने आश्वासन दिया है
कि मेडिकल रिपोर्ट आ जाएगी, हम 302 की कार्रवाई करेंगे। यदि नहीं करते हैं तो फिर हम एक हफ्ते का इनको मौका दे रहे हैं, एक हफ्ते बाद है ना हम बड़े पैमाने पर आंदोलन खड़ा करेंगे यहाँ। और जब तक कार्रवाई नहीं हो, जब तक बीमार भी शांत नहीं रहेगी, अगर जरूरत पड़ी तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष आएंगे, और अगर जाना जरूरत पड़ी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के भी संज्ञान में डाल दूंगा मैं वाली बात कि भैया इस तरीके से मारा जा रहा है। अभी इनकी सरकार को जाना दिन नहीं हुए बने, अभी से हमारे लोग ऐसे मारा जाएगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।